नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किंग पर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर सेंस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डियर सेंस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आपके लिए बड़े ही यूजफुल और बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो डियर सेंस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डियर सेंस, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। और डियर सेंस, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो साथ साथ क्लियर होते चले। तो चलिए देखिए, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, कौन सी नदी का निर्माण करती है। डियर सेंस, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा का ए होगा आपका राइट आंसर। चलिए सेकंड देखिएगा, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो डियर सेंस कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ए होगा आपका राइट आंसर। थर्ड है, पश्चिम नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिमी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, डियर सेंस ऑप्शन बी मुंबई होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। डियर सेंस, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो है डियर सेंस ऑप्शन डी उधमपुर में, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है। जो एलिसा परीक्षण है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए एड्स होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है। डियर सेंस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम है जो, वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु डिस्टेंस कौन थे, तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आनंद पांडे, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांडला होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। डियर सेंस ऑप्शन ए सीन होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, शेसल्स किस महासागर में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है। डियर सेंस ऑप्शन ए हिंद महासागर होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ग्रेट ओर्टिजन बेसिन कहां पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा यहां पर आपका डियर सेंस ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 13 देखिएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण किस राज्य में है। डियर सेंस कौन से राज्य में है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, डी होगा आपका राइट आंसर। 15 आपके लिए, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है। ओजोन परत का जो घनत्व है वो सबसे अधिक कौन से मंडल में। डियर सेंस ऑप्शन सी समताप मंडल, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है 16, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी कपिल देव को, सी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 17 क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम पहला व्यक्ति था डियर सेंस वो था ऑप्शन सी अमुंडसेन, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए मंदक के रूप में, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, 19 देखिए, प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। प्राकृतिक
बहुलक यौगिक का उदाहरण हमने यहाँ पर बताना है, ऑप्शन बी सेलुलोज होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? डिस्टेंस राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी ब्रिज, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, टमाटर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? याद रखिएगा, जो टमाटर का लाल रंग होता है डिस्टेंस, वो लाइकोपिन की मौजूदगी के कारण होता है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अकबर का राज्याभिषेक किस समय, उसकी उम्र कितनी थी? जब राजा का अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था उस समय उनकी आयु कितनी थी? डिस्टेंस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 वर्ष 4 महीने, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 25, प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? डिस्टेंस ऑप्शन सी विकसित देश, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? डिस्टेंस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिंगली वैक्या, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आपके लिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन डी हाजी बेगम, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 28, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है डिस्टेंस, वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई? भारत में जो प्रेस की स्थापना हुई थी वो पहली बार प्रथम बार कब की गई थी? डिस्टेंस ऑप्शन डी 1550 में, डी होगा आपका राइट आंसर चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस आपके लिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? हमने बताना है एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो कौन सा? डिस्टेंस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? डिस्टेंस ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? डिस्टेंस बेंगलुरु में स्थित है, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है डिस्टेंस, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है डिस्टेंस? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 35 देखिएगा, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम यानी पहली भारतीय महिला कौन है? डियर सेंस ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी, सी रहेगा आपका राइट आंसर। याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली जो प्रथम पहली भारतीय महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, सी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा 36, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का जो अपवर्तनांक है डिस्टेंस वो कितना होता है? डिस्टेंस राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक कितना होता है डिस्टेंस हीरे का? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.4, बी रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा, किसी अर्धचालक की चालकता का ताप बढ़ने से क्या होता है? क्या होता है डिस्टेंस? ऑप्शन बी बढ़ता है। किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 39, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का डिस्टेंस ऑप्शन सी NaOH, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका,
भारत में कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत में जो कहवा है उसका सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है ऑप्शन बी कर्नाटक, बी होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शन सी हेमू, सी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? ऑप्शन डी 1913 में, कब बनाई गई थी? 1913 में बनाई गई थी, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार है जो किसके समय में हुआ था? डिस्टेंस ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है डिस्टेंस वो कहाँ पर है? मानसरोवर झील, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी डिस्टेंस ऑप्शन डी 1916 में, 1916 में, डी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था डिस्टेंस ऑप्शन बी अहमद लाहौरी, बी होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 सी रहेगा आपका राइट आंसर। 49 आपके लिए, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जय संहिता। याद रखिएगा महाभारत का जो मौलिक नाम है वो जय संहिता है, डी रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट देखिएगा, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो राइट आंसर का डिस्टेंस यहां पर आपका ऑप्शन बी भाग पांच में, भाग पांच में क्या है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग पांच में उल्लेख है, डिस्टेंस बी होगा आपका राइट आंसर। तो डिस्टेंस ये थे आज के आपके जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्लीज और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्टेंस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक डिस्टेंस सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।